ખાતું નહીં ખુલે કે આશા હતી, કારણ કે આમ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ છેલ્લે 48-60 સુધી વાત પહોંચી ગઈ હતી. કેજરીવાલની જીત થઈ ગઈ અને જયારે એમનું કેમ્પેન ચાલતું હતું ત્યારે પણ એ બાબત વારંવાર કહેતા હતા કે હિન્દુ મુસ્લિમ ઇસ સિખાઈ, એ છે ભારત માતાના ચાર સૈનિકો અને એ જ તમામ જે લોકો છે અત્યારે હાલ આપને ટેલિવિઝન સ્ક્રીન પર જોવા મળી રહ્યા છે, એ તમામ લોકો જીતની ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. તમામ ધર્મના લોકોને એક સાથે લઈને જે રાજનીતિ કરવાની એક કળા છે એ કેજરીવાલની અંદર છે અને એ કળાની સાથે જેમને જીત મળી છે અત્યારે એ તમામ લોકો સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે. સરજી ક્યાં લગ રહા હે આપકો વો પોલરાઇઝેશન વાલી જો બાત થી વો લોકો કે દિલ મેં નહીં ગુજરી ઓર કેજરીવાલ કે સાથ હી સબ લોગ ખડે રહે બીજેપી ને પોલરાઇઝેશન કી કોશિશ કી થી મતલબ. देखो जी, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेके और अपनी पार्टी के हाई कमान तक सबको मुबारकबाद देता हूं, नंबर एक. नंबर दो कि ये जो मोदी जी की हिंदू मुस्लिम और देश तोड़ने की जो राजनीति थी, उस राजनीति के ऊपर दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता ने ऐसा तमाचा मारा है कि इस तमाचे की गूंज पूरे भारतवर्ष में जाएगी, नंबर एक. और नंबर दो, मैं ये बताना चाहता हूं, ये विकास की जीत है, आम जनता की जीत है और काम को काम की जीत है. 70 सालों में पहली बार इतिहास है कि किसी पार्टी ने काम के आधार पर हैट्रिक मारी है. और बीजेपी वालों को, बीजेपी वालों को जो मोदी के चेहरे पे दिल्ली में चुनाव लड़े गए, उसकी मैं आज है यहाँ पर साफ तौर से अपने शब्दों में सब भाइयों की तरफ से कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़वा के इस देश में राज करना चाहोगे तो नहीं चलेगा. ये धर्मनिरपेक्ष देश है, था और रहेगा. शाहीन बाग का जो मुद्दा है वो बहुत चला था, फिर भी काम नहीं आया बीजेपी के लिए. भाई साहब काम बोलता है काम, केजरीवाल जी ने काम करा है, जनता उनके साथ है, काम बोलता है. गाने गाने से, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, ड्रामे करने से. काम बोलता है हिंदुस्तान में, काम मांगते. शाहीन बाग का मुद्दा गृहमंत्री सुलझाए, हिंदुस्तान का हर नागरिक की परेशानी उनके जिम्मे है. अब केजरीवाल के जिम्मे जितने काम थे उन्होंने लड़ के अपने काम करे, हालांकि अपनी पावर ना होते हुए भी फिर भी लड़ के उन्होंने काम करा, शिक्षा के आधार पर, अस्पताल के आधार पर, फरिश्ते के आधार पर, हर चीज पे. अब शाहीन बाग का मसला है, लोगों की क्या परेशानी है, अगर आप सही हो तो जाके बैठ के बात क्यों नहीं करते उन लोगों से, क्यों क्या बोल रहे हैं. दिल्ली की जनता ने पोलराइजेशन को पूरी तरह से ठुकरा दिया. अरविंद जी कभी किसी सभी धर्म, जो भी भारतीय है, सभी भारतीय है, आप देख लीजिए, हिंदू सिख मुस्लिम और ईसाई भाई अगर कोई हो तो, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ, हम लोग देखिए एक मिल के एक भारत संयुक्त भारत, तीनों के हाथ में तिरंगा है. और ये सब जब तक चीज खत्म आप कर देंगे तब तक महंगाई से किशोर में ध्यान भटकाना चाहते हैं ये लोग. घर का चारा और समाज का भाईचारा दोनों खत्म करने की कोशिश किए. अब चारा तो उनके बस में है कि महंगाई करो, दलाली करो, ठीक है, सबसे पैसे लो. ये प्याज जो है तो लगातार 8 महीने से 60 रुपया पे ट्रेंड कर रहा है, शर्म नहीं आती है इनको. तो काम की राजनीति काम कर गई. हाँ, और काम की राजनीति कर गई, वो भी तीसरी बार की. ये तुक्का नहीं है, आप 2013 में कह सकते थे, 15 में भी कुछ कह सकते थे, अब क्या. हम पूरी तरह से सरकार चलाए हुए केंद्र शासित होके पुलिस में. पोस्टर भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जिसमें लिखा था 2024 मोदी वर्सेस केजरीवाल, क्या सही में ऐसा होने वाला है. बिल्कुल होने वाला नहीं है, हो गया है. देखिए दिल्ली में कोई भी CM कैंडिडेट भाजपा के पास नहीं था, कांग्रेस का बात, कांग्रेस को मैं बात ही नहीं करना चाहा, वो तो जीरो थी है रहेगी. बात नहीं मोदी जी की, मोदी जी ने जिस तरह से देश को भड़काया और देश की जनता को भड़काया, दिल्ली की जनता को भड़काया, भड़काने की कोशिश करी और आखिरी तक गोदी मीडिया ने बहुत बड़ा साथ दिया. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये मेरी क्लिप आपको आप दिखाएं तो. नहीं, नहीं चलेगी, क्योंकि चिंता मत करो, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मोदी वर्सेस केजरीवाल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर ऐसे लगे हुए. दिल्ली देश की राजधानी है, पहले तो ये सुन लीजिए. दिल्ली हमेशा देश को एक संदेश दी है. अब जो जितने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, मैं बिहार के लोगों से खास करके मैं कहता हूँ, आपको अगर सरकार समझनी है तो वहाँ के स्कूल और अस्पताल का हाल देखिए. सीधा बात है, सिंपल एकदम, और पोलराइजेशन में बिल्कुल मत आइए. भाजपा के साथ जो हो और जहाँ भाजपा हो, कम से कम उनको हराइए. दिल्ली में जो इन्होंने नंगा नाच किया है वो किसी से छुपा नहीं है, देश को बचाइए. जुमलेबाजी नहीं चलेगी मोदी, मत ने जो ध्रुवीकरण की बात है नहीं चाले, मात्र ने मात्र जो चाल से ए मत की राजनीति, अथवा तो जे काम करवानी जे राजनीति थाय छे, अथवा तो जे काम करो ने त्यार बाद मत मांगो,
राजनीति थवी जुए विकास की राजनीति राजनीति चाल से देश की अंदर आगामी समय की अंदर कारण के अनेक पोस्टरो अहीं लागेला जोया छे के ज्यां मोदी वर्सेस केजरीवाल 2024 એટલે કે લોકસભાનો નિર્દેશ કરવામાં આવી રહ્યો છે આ તમામ સ્થિતિ અહીંયા જે કાર્યકર્તાઓ છે એમનો ઉત્સાહ હોય કે આ તમામ બાબતો હોય એ તમામ બાબતો અત્યારે હાલ આમ આદમી પાર્ટીનું જે કાર્યાલય છે ત્યાં જોવા મળી રહ્યું છે ઝૂમી રહ્યા છે કાર્યકર્તાઓ અને સાથે જ આગામી સમયની અંદર કેન્દ્રીય જે રાજનીતિ છે એ રાજનીતિની અંદર કેજરીવાલને જોવા માંગી રહ્યા છે એ સહિતની તમામ બાબતો આ કાર્યાલય પરથી આજે જોવા મળી રહી છે આગામી સમયની અંદર હવે રાજનીતિ કયા પ્રકારની કેજરીવાલ કરવા માંગે છે એ તમામ બાબતો એ સમય બતાવશે પરંતુ અત્યારે હાલથી જ કાર્યકર્તાઓ ઈચ્છી રહ્યા છે કે આગામી સમયની અંદર કેજરીવાલ અન્ય પ્રદેશોની અંદર પણ રાજનીતિ આમ આદમી પાર્ટી થકી કરે કેમેરામેન હિરન શાહ સાથે નરેન્દ્ર રાઠોડ વીટીવી દિલ્હી આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ નાચી રહ્યા છે ઝૂમી રહ્યા છે અને કેમ નહીં કારણ કે કેજરીવાલ હાલ ત્રીજી વખત મુખ્યમંત્રી બનતા દેખાઈ રહ્યા છે આમ આદમી પાર્ટીની પાર્ટી સરકાર બનતી દેખાઈ રહી છે